hello everyone neha here so today we will be covering chapter 3 of ncert science book of class 6 that is fiber to fabric this chapter is all about how fibers are obtained from plants animals or chemicals and get ultimately converted into clothes so watch this video till the end to understand the chapter completely step by step apart from this we will also answer some of the interesting questions such as is fabric really a continuous piece how does lump of cotton how does a lump of cotton get converted into Threads, or how these threads ultimately change into fabrics. How a tiny creature on Earth that is a silkworm gives us a very expensive fabric that is silk by killing itself. Yes, it gets killed in the process. How we will come to know? during the explanation why you should never wear synthetic clothes while working in the kitchen answer all of all these questions we will come to know in the chapter let's start now look around you you will notice your clothes your bed sheet pillow cover

आपको पता चल सकता है अगर आप उसे टच करें या फील करें एक्चुअली ऑल ऑफ दीज आइटम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ़ फैब्रिक्स। सो वी विल कम टू नो वॉट आर फैब्रिक्स वी विल लर्न अबाउट आर फैब्रिक्स फ्रॉम वेयर डू वी गेट फैब्रिक्स हाउ दीज वेरियस आइटम आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स

आपके घर में सिलिंग मशीन होते हैं या तो अगर आप खुद कर रहे हो उसे सिल रहे हो तो आप कैसे इसे स्टिच करोगे मैन वाले विद द हेल्प ऑफ सिलिंग मशीन से करते हैं या आप फैब्रिक को कैसे स्टिच किया जाता है मशीन से बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं लार्ज स्केल की में मशीन होती हैं एंड दीज आर इन द फैक्ट्री एंड ऑल टू गेट ऑल दिस डिफरेंट आइटम जिनसे सारे आइटम्स बनते हैं तो आप फैब्रिक से को कैसे स्टिच करते हो, कर सकते हो या तो मैनुअली या मशीन से फैक्ट्री में वन टू गेट ऑल दिस आइटम ये सारे आइटम्स हमें स्टिच करके मिलते हैं लाइक क्लोथ्स बैचशीट्स पिलो कवर्स टॉवेल्स curtains, blankets, table cloths, shopping bags, school bags, carpet. so let's now try to understand fabric in more detail. so हम थोड़ा detail में पढ़ते हैं इसे। है। whenever you have look any fabric, it seems a continuous piece. कभी भी आपने किसी भी fabric को देखा है, किसी भी कपड़े के piece को देखा है। तो वो आपको एक ऐसा लगता है ना कंटिन्यूस पीस है पूरा एक कपड़ा है पूरा कंटिन्यूस पीस है लेकिन रियली इट इस कंटिन्यूस पीस क्या वो कंटिन्यूस पीस होता है नहीं वो कंटिन्यूस पीस नहीं होता है आप क्या कर सकते हैं आप कोई भी एक फैब्रिक को लीजिए और लेने के बाद यू कैन टेक फ्रॉम योर होम यू कैन टेक एनी पीस ऑफ फैब्रिक और उसे थोड़ा सा क्लोजर लुक से देखिए थोड़ा सा पास से देखिए देन यू विल नोटिस यू विल ऑब्जर्व वॉट यू विल सी फ्रॉम अ डिस्टेंस इज लुक्स लाइक अ कंटिन्यूस पीस आपको ऐसा लगेगा जो चीज़ आप दूर से देखोगे दूर से देखने में वो आपको कंटिन्यूस पीस लगेगा लेकिन जब आप उसे क्लोजर आके देखोगे तब आप नोटिस करोगे कि वो कंटिन्यूस पीस नहीं है यू विल ऑब्जर्व इट इज मेड अप ऑफ टू से आप नोटिस करोगे दो सेक्ट्स ऑफ टू सेट्स ऑफ स्ट्रेंड्स का बना है और इन्हें ऐसे सिला गया है आपस में इना होरिजेंटल मैनर और इन अ वर्टिकल इन अ होरिजेंटल और इन अ वर्टिकल फैशन में इन्हें अरेंज करके टू साइड्स को स्टिच टुगेदर किया गया है ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है सो लेट फाइंड आउट वॉट डीज एंड और ये जो स्ट्रेंट्स हैं ये जो वर्टिकल होरिजेंटल आपको स्ट्रेंट्स दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रेंट्स को इन्होंने होरिजेंटल एंड वर्टिकल फैशन में अरेंज किया है अब क्वेश्चन आरइज होता है फिर ये स्ट्रेंट्स क्या होते हैं अगर ये फैब्रिक आपके टू सेट्स ऑफ स्ट्रेंथ से मिलके बनता है स्टिच करके बनता है तो वॉट इज स्ट्रेंट ये स्ट्रेंट क्या होते हैं इन स्ट्रेंथ्स को हम क्या कहते है? कहते हैं? हैं। और या हम कह सकते हैं लूज थ्रेड ये लूज थ्रेड है तो आप देख रहे हैं ना ये आप यहाँ से थ्रेड निकाल रहे हैं यू कैन टेक आउट फॉर मेनी पीस ऑफ क्लॉथ टेलर शॉप और इवन एट यू हो आपने इन को टेलर की शॉप पे भी देखा होगा या अपने घर पे भी देखा होगा लेकिन अगर आपको और अच्छे से समझना है यांस क्या होते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको एक फैब्रिक का पीस लेना पड़ेगा और उसमें से आपको उसके एडजस्ट में से उसके एडजस्ट में से आप उसके थ्रेड्स को यान को टेकआउट करिए ठीक है ये जो थ्रेड्स हैं ये जो आप थ्रेड्स निकालेंगे आप ये थ्रेड्स निकालेंगे कॉर्नर्स के एजेस में से जो थ्रेड निकालेंगे लूज थ्रेड्स को निकालेंगे इन्हें ही हम क्या बोलते हैं कैन से so तो हम क्या कह सकते हैं जो फैब्रिक है वो किससे है यान से अरेन्ज टूगेदर सो नाउ लुक एट अन्स मो क्लियर क्लियरली एंड क्लोजली अब हम यहाँ आते हैं वॉट आर अप ऑफ ठीक है अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा फॉर दिस यू हैव टू स्क्रेच वन एंड ऑफ द यान आपके आपको क्या करना है आपको स्क्रेच करना है एक एंट यान का फैब्रिक में से फैब्रिक में से अपने नेल से आप इसे स्क्रेच कर लीजिए यू विल नोटिस यान स्प्रिट इन टू मैनी थिनर अच्छा जब आप अपनी नेल से, से एक यान को अगर आप स्क्रेच करेंगे यान एंड्स में से यान निकाल के अपनी नेल से स्क्रेच करेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे जो एक यान है उसके अंदर बहुत सारे थिनर स्ट्रेंट्स हैं देखिए एक यान में से कितने सारे स्ट्रेंट्स निकलेंगे ठीक है आप भी कर सकते हैं आपके घर पे कोई भी आप क्लॉथ ले सकते हैं रफ क्लॉथ ले सकते हैं और उसके साथ आप करके देख सकते हैं जब आप देखेंगे कि एक यान में से बहुत सारे थिनर छोटे छोटे पतले पतले निकल रहे हैं यस, yes. तो यू वी कैन थिनर स्ट्रेंथ विच आर कॉल्ड फाइबर्स और ये जो यान्स हैं, ये यान और थिनर स्ट्रेंथ से बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं फाइबर्स हम ये जो फाइवर था हमारा उन फाइवर को देखो हमने ट्विस्टेड किया ये फाइवर है हमारा फाइवर को जो हम ट्विस्ट करेंगे ट्विस्ट करेंगे हम उसे ट्विस्ट करेंगे ट्विस्ट करने के बाद आपका ये क्या बनेगा ये यान बनेगा

यांस का जब हमने उसकी उसके कॉर्नर से निकाला था एज से निकाला तो क्या निकल के आए थे यांस निकल के आए थे यांस निकल के आए थे और इन यांस को अगर हम नेल से करेंगे तो इन यांस के अंदर क्या निकलेंगे बहुत सारे थिनर स्ट्रेंथ्स निकलेंगे यस yes, इन्हीं हम यांस को स्ट्रेंथ्स कहेंगे इनके अंदर और थिनर पतले-पतले स्ट्रैंड्स निकलेंगे ओके सो एंड दीस यांस आर और ये यांस किसके बने दीस यांस आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स तो फैब्रिक बना है यान से यान बना हुआ है और ज्ञान के बोलते हैं और इस यान के अंदर एक सिंगल के अंदर बहुत सारे थिनर थिनर फाइन होते हैं और ये यान कहाँ से मिलता है ये यान बनता है फाइबर से मिलता है जब हम फाइबर को ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट करके हमें ज्ञान मिलेगा आई होप यू अदर वर्ड्स वी कैन सेन्ट्स

फाइबर से बना होता है अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये फाइबर कहाँ से मिलता है फ्रॉम वेयर यूर वी आर गेटिंग द फाइबर अगर ये सब फाइबर से होता है तो हमें फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द फाइबर ओके थैंक यू सो यू कैन सी द नेक्स्ट वीडियो टू अंडरस्टैंडिस मोर क्लियरली सो बिकॉज इन नेक्स्ट वीडियो लर्न अबाउट फ्रॉम वेयर वी गेट Five words. Thank you.